Como que el de Bibi? ¿Cómo que el de tu papá? No, Eloy. बहुत ज़्यादा अभी बर्तन जमा नहीं हुए हैं और क्वारंटीन से पहले जो था मैं ज़रा साथ साथ सोच रही हूँ कपड़े भी डाला है। मैं आपको एक बात भी बता दूँ, क्वारंटीन से पहले भी आई वॉज़ वर्किंग लाइक दिस व्हेनेवर आई डिड नॉट हैव। सो आजकल मैंने कल एक वीडियो देखी है विच वॉज कंसिडर्ड टू बी अ फनी वीडियो, जिसमें लोग कह रहे थे कि जी ब्लॉगर्स के पास अब कुछ है नहीं, तो वो ये कर रही हैं क्या कहते हैं घर के काम कर रही हैं और वो दिखा रही हैं वीडियोस में। तो ये कोई अप्रिशिएटिव बात नहीं है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप लोग खुद काम करते हैं और अपने घर का काम करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। और अगर कोई ब्लॉगर, कोई सेलिब्रिटी, कोई भी ये कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है, दे आर गिविंग अ गुड मैसेज टू एवरीवन कि अपना काम खुद करें। और यू नो, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप हेल्प नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते आप कैसे करेंगे, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट वॉज वन थिंग आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। और खैर, मैं तो क्वारंटीन से पहले भी ये काम कर रही थी, तो दिस इज़ लाइफ। इफ़ यू आर व्लॉगिंग लाइफ, तो ये तो लाइफ है, ये तो आपके रोज़ के काम है। सो रात को ऐसा था कि मैंने कल लॉन्ड्री की थी और जो कपड़े थे वो सूखे नहीं थे, सो मैं रात को उनको शेड के नीचे रख गई थी। सो अभी बहुत प्यारी धूप निकली हुई है, सो आई थॉट कि आई पुट देम ताकि जो है वो ड्राई हो जाए। मैं आपसे बात कर रही थी कि आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन जमा ना हो, और जो है वो जो हमारा वर्क फ्रॉम होम सेटअप है, देर आर लैपटॉप्स एंड चार्जर्स जरूरी हुआ है, बट टुडे इज़ अ संडे सो इट्स अ डिफरेंट डे। वीकडेज़ में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि मैं शूट कर सकूँ, क्योंकि आई हैव वर्क फ्रॉम होम, आई हैव माइकल्स वर्क और घर के सारे काम, सो इट गेट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। जी बेबी, सो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो बर्तन है वो ज़्यादा इकट्ठे ना हों, और जिस टाइम का खाना है, जैसे नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, तो उसी टाइम वो वॉश हो जाए। सो नाउ आई एम गोना गो वॉश दी डिशेज एंड उसके बाद मिलते हैं। जी बेबी, ओके बाहर ही तो हो आप, और कहाँ बाहर जाना है। आप दुआ करो, पहले दुआ करो अल्लाह मियाँ से, दुआ करो को अल्लाह मियाँ वायरस खत्म हो जाए और फिर हम बाहर जाएंगे, ठीक है।
किया था, इसमें सारा पानी चूस लिया है। अब मैं इसे बॉईल करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि हम इसे फ्रेश यूटिलाइज कैसे करेंगे और फिर इसको फ्रीज कैसे कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, बाई द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नो दिस टू। तो ये मैंने बॉईल करने रख दिए हैं। जब आपने रात को ओवरनाइट सोक करना है ना, तो 1 टीस्पून या 2 टीस्पून डिपेंडिंग ऑन योर क्वांटिटी आपने बेकिंग सोडा उसमें ज़रूर डालना है। तो अब इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, चाहे तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, तो फिर 20 मिनट्स में हो जाता है। बट आई हैव होल डे एंड मुझे इसको भी फॉरन यूज़ नहीं करना, तो मैंने इसलिए इसको नॉर्मल पैन में रख दिया है विद वाटर। सो नाउ आई डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स और मीन वाइल ये बॉयल हो जाएंगे। ऊपर से पल्प उतर जाए। अब इसके अंदर ही जो मसाले हम डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, फिर सारा इकट्ठा पक जाए। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको बनाने के, मैं इस तरह बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। सारे मसाले इसके पकने में ही इसके अंदर डाल देंगे और फिर उसके बाद हम इसको छान के इसकी जो गुठलियाँ हैं सारी वो अलग कर लेंगे। और थिक करने के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के पकते में ही एंड पे डाल देते हैं, तो एक बड़ी अच्छी सी थिकनेस आ जाती है अगर आपको थोड़ी थिक चाहिए। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका और ज़ीरा 1 टीस्पून। आप सौंफ, कुछ लोग सौंफ भी डालते हैं पर मैं ज़ीरा डालती हूँ, उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगता है मुझे। और इसमें आप पाउडर्ड, अगर आपको मिर्च थोड़ी तेज़ चाहिए तो आप पाउडर्ड सिर्फ मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। करने के लिए आप इसमें शुगर या गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ डालेंगे तो उसको कूट के डालेगा कि पाउडर्ड हो जाए, तो मिठास आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखनी है। दही भी डालेगा टॉपिंग में, ये चने बॉयल्ड हैं हमारे पास और ये प्याज टमाटर हम डालने लगे हैं। चटनी डलेगी और लेयरिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। धनिया और हरी मिर्च भी बारीक चॉप करके डलेगी और लेमन जूस भी डलेगा। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइस, सही नहीं है? इट्स वेरी गुड गुड पास।
सो आप लोग भी ट्राई करें और बताएं कि कैसी बनती है। बहुत शदीद थक चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जी बेबी, सो आजकल की सिचुएशन के बारे में मुझे नहीं समझ आ रही क्या बात करें। इट्स जस्ट आई एम फीलिंग रियली लो एंड देन आई हैव हैड लॉट्स टू डू एट होम एंड इट्स जस्ट सुपर एग्जॉस्टिंग एंड आई विश दिस सिचुएशन गेट्स बेटर वेरी सून। सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है हमारे मुल्क की, अल्लाह सबको हिफाजत में रखे। हम लोग ग्रोसरी करने निकले हैं और वी हैव टेकन आवर प्रिकॉशंस, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, एवरीथिंग विद अस। और जाते ही घर सारा कुछ लेने के बाद हम शावर लेंगे और ये सारे कपड़े जो पहने हुए हैं, जूते, इन सबको धो के तो बाहर धूप में डाल देंगे। तो ये आप सब लोगों ने भी करना है ताकि कोई भी अपने साथ किसी किस्म का जरासीम, वायरस घर लेकर ना जाए। तो हम निकले हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है और किस तरह से। आई एम हैप्पी कि हमारी सारी अवाम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर रही है और मास्क भी काफ़ी लोगों ने लगाए हुए हैं, तो अच्छा है कि सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। Malam Road and it's almost empty. All shops are closed. वेरी इम्प्रेस्ड के अलफता में, जलालसंस में, ऑल द ग्रोसरी स्टोर्स दे वर डिसइंफेक्टिंग द ट्रॉलीज कॉन्स्टेंटली एंड एवरीबडी वॉज वेयरिंग मास्क एंड ग्लव्स एंड दे वर चेंजिंग इट आई थिंक आफ्टर 30 मिनट्स एंड दे वर ऑल्सो सैनिटाइजिंग और उन्होंने ओपन सैनिटाइजर्स भी रखे हुए थे। दे वर फुट मार्क्स एज वेल फॉर एवरी वन टू मेनटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड चीज़ों को जो टच हो रहा था उस पर भी वो स्प्रे करके जा रहे थे। सो दे वर डूइंग देयर बेस्ट एंड टेकिंग प्रिकॉशंस, बट आई थिंक हमें ख़ुद से भी लेनी चाहिए कि जितनी चीज़ें भी हम ले रहे हैं वो हम घर जाके उनको अच्छे से वॉश करें। एंड आई हैव हर्ड के जो आपकी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं उनको भी अच्छी तरह जो है ना वो आप पानी में, गर्म पानी और थोड़ा सा सोप डाल के उसको वॉश करें और फिर दोबारा पानी से साफ़ करें, और अगर उस गर्म पानी में थोड़ा सा सिरका डाल लेंगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उनको अच्छी तरह ड्राई करके फिर आप उनको रखें अपने फ्रिज में या अपने कैबिनेट्स में, जहाँ भी। सो अभी मैं करूँगी वो मील प्रेप, तो आप लोग मेरे साथ देखिएगा कि किस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं डिसइनफेक्ट करने की उन सारी चीज़ों को जो हमने ख़रीदी हैं। Mikhail has gone to sleep and we are watching this season. So I hope you've liked the video. You wanna hear? Subscribe for more and I'll see you in my next. Good night.